सदियों से श्री नंद कुमार जी, डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी एवं कवित्र जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पे आ जाएं। भैया आगे मत जियो। सुरेश Proceeding with our today's session,
I now invite Dr. Meenakshi Jain ji to the podium. Thank you very much for inviting me to the discussion today. And thank you all for being here. I'm feeling a little nervous addressing this audience because I've never addressed a gathering in this kind of big hall. So please forgive me if I feel a little nervous. The topic of my talk today that has been given to me is the fundamental unity of India, some early pointers. अब ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमने देखा है कि इस विषय पर बहुत वाद विवाद हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि 19वीं शताब्दी तक इस विषय पर आम सहमति थी, सबको ये एहसास था कि भारत एक देश है और इसके ऊपर क्या विवाद हो सकता है। लेकिन एक अंग्रेज इतिहासकार और एडमिनिस्ट्रेटर 1911 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने यह दावा किया कि देयर इज नॉट एंड नेवर वॉज एन इंडिया और इवन अ कंट्री ऑफ इंडिया पोजेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ यूनिटी फिजिकल पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस नो नेशन ऑफ इंडिया नो पीपल ऑफ इंडिया। तो उनका कहना था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत कोई देश नहीं था, भारत में एकता नहीं थी और अंग्रेजी शासन काल ने ही भारत को एक बनाया। हमको ये ध्यान रखना है कि उस समय ब्रिटिश राज्य अपनी चरम सीमा पर था और बहुत से प्रसिद्ध नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इसके विरुद्ध पुस्तक लिखी, जैसे कि सबसे प्रसिद्ध है राधा कुमुद मुखर्जी की द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। इसलिए ये अफसोस है और ये हैरानी की बात है कि स्वतंत्रता के बाद एक इतिहासकारों का गुट, एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस जिनको हम वामपंथी इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने अपने पुस्तकों में और स्कूल टेक्स्ट बुक्स में वो ही बातें दोहराई भारत की एकता के विरुद्ध जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने दोहराई थी। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो जो हमारे पास चित्र सामने आता है वो बहुत अलग है, बहुत विपरीत है और मैं इस विषय में 4-5 मुद्दे आपके सामने रखूंगी। द फर्स्ट पॉइंट इज द मैपिंग ऑफ द एंटायर लैंडस्केप। इसका मतलब ये है कि जब भारत की का इतिहास, जब भारत की सांस्कृतिक जीवन आरंभ हुआ तो हम ये नहीं कह रहे कि पूरे भारत की जानकारी उस टाइम थी। धीरे धीरे ये जो हमारे सभ्यता के निर्माता हैं वो धीरे धीरे वो भारत के विभिन्न भागों में गए और ये जो इनकी जर्नी है वी कैन ट्रेस इट ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मणा से, अन्य ग्रंथों में हम देख सकते हैं कि पंजाब से शुरू होकर पूरे भारत की जानकारी उनको कैसे कब मिलती और कैसे मिलती है। और जो हमारे पास प्राचीन ग्रंथ हैं उनसे ये साबित होता है कि लगभग 500 BC तक पूरे भारत की भौगोलिक जानकारी इस संस्कृति के जो निर्माता हैं उनको मिल गई। मतलब जब उनकी जर्नी शुरू हुई वो पंजाब से शुरू हुई लेकिन 500 BC तक दे हैड ट्रैवल्ड टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर अवेयर ऑफ मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है भारत का, वी फाइंड इट इन मेनी एंशिएंट टेक्स्ट लाइक द महाभारत। महाभारत
कहता है कि भूमि पर्वन में महाभारत में लिखा है कि साउथ दक्षिण से उत्तर तक भारत का रूप एक बो की तरह था, और जैसे कि कोई तीर कमान उसको कमान को उठा रहा है, पिक कर रहा है, वैसे उसका रूप था। और महागोविंद सुत्ता जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो 5th century BC की है, और वो कहती है कि भारत एक बैलगाड़ी की तरह उसका शेप था, एक तरफ से नैरो और फिर आगे से चौड़ा। और सबसे विचित्र बात हमको जब मिलती है, जब ग्रीक्स अलेक्जेंडर के साथ भारत आते हैं, तो आपको पता है, सबको पता है कि अलेक्जेंडर ने इंडस नदी को पार किया, पंजाब में प्रवेश किया, किंग अम्बी से उनका भेंट हुआ, और फिर वो उनका किंग पोरस के साथ संघर्ष हुआ। उसके बाद हमको लगता है कि अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो रवि और चेनब नदी को पार करने जा रहे थे, और लेकिन वो वापस चले जाते हैं। तो वापस क्यों चले जाते हैं? उस समय के इतिहास, उस समय के जो उनके साथ इतिहासकार आए थे, उनके लेखन से हमको पता लगता है कि अलेक्जेंडर एक्चुअली खो गए। उन्होंने सोचा कि जो लैंड ऑफ द 5 rivers है, पंजाब, उन्होंने सोचा ये एक्चुअली अपर इजिप्ट है, और ये यहाँ से वो नाइल नदी को पहुँचेंगे और फिर मेडिटेरेनियन वापस चले जाएंगे। लेकिन पंजाब में उनको कुछ लोग मिले जिनको पता था कि अलेक्जेंडर का ये अंदाजा गलत है। तो अलेक्जेंडर के साथ जो इतिहासकार आए वो लिखते हैं कि अलेक्जेंडर ने यहाँ के कुछ व्यक्तियों को बुलाया और कहा कि इस देश का बताइए, इसकी रूपरेखा बताइए, कौन से इलाके हैं, कहाँ से। तो भारत में जिन लोगों को कंसल्ट किया अलेक्जेंडर ने, उन्होंने पूरे देश का फिजिकल ज्योग्राफी डिस्क्राइब की। इस नदी से ईस्टर्न इंडिया कितनी मील है, ईस्टर्न इंडिया से दक्षिण कितनी मील है, दक्षिण इंडिया से ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया कितनी दूर है, और फिर इंडस तक कितना दूर। तो अलेक्जेंडर को भारत के कुछ व्यक्तियों ने पूरे देश का विवरण किया, कितनी माइल एक जगह से दूसरी जगह तक है। और अलेक्जेंडर ने जो सारा जानकारी उनको मिली, उन्होंने अपने इतिहासकारों को दी, और वो उन्होंने अपने लेखकों में लिखी, और वो जानकारी आज तक हमारे पास है। तो 2000 साल के बाद जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने वो ग्रंथ पढ़े, तो कहते हैं कि 2000 साल पहले भारतीयों को अपनी इस भूगोल का इतनी जानकारी थी, ये बिल्कुल हैरानगी की बात है। दैट द इंडियंस न्यू द फिजिकल लेआउट ऑफ द लैंड सो इंटीमेटली 2000 years ago, इट इज रिकॉर्डेड एंड इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। जो दूसरी बात हमको मिलती है कि इस देश के बारे में क्या भावनाएं थी, तो पृथ्वी सुक्ता, अथर्ववेद का एक 63 स्टैंजा लॉन्ग पृथ्वी सुक्ता है, और उसको दुनिया का सबसे प्रथम नेशनल सॉन्ग बताया गया है। एंड दिस पृथ्वी सुक्ता, इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर विच इज नॉट मेट विद इन एनी अदर लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। इट प्रेजेंट्स अ परफेक्ट फ्यूजन ऑफ लव फॉर द लैंड, कल्चरल अवेयरनेस एंड अ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन रूटेड इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द पृथ्वी सुक्ता सैंग प्रेजेस ऑफ द मदर कंट्री एंड ऑल्सो एज द लैंड वेयर अश्विन्स अकम्प्लिश डिवाइन फीट्स
where altars were erected, sacrificial posts set up for the performance of sacrifice, where five classes of men dwell, where dharma sustains everything, where rishis chant mantras of the Rig Veda, Sam Veda and Yajur Veda, where Indra is offered somras, and where men travel in chariots and ulav carts. This Prithvi Sukta enunciated the ancient philosophy of India. It took note of the diversity of inhabitants of the land, their varying dialects and behavioral norms, all of whom the motherland nurtured without distinction. Its opening verses recounted the values and ideals that sustain this land: truth, cosmic law, initiation, penance, and Vedic sacrifice. जो हम बुनियादी सिद्धांत मानते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के, वो पृथ्वी सूक्ता में पूरा उनका विवरण किया गया है। इससे पूरे विश्व का फर्स्ट नेशनल सॉन्ग कहते हैं, और जो सिद्धांत इसमें उनका विवरण किया है वो आज तक हम अपने इतिहास में पाते हैं। पृथ्वी सूक्ता के पहले और बहुत से हिम्स मिलते हैं हमको अपने ग्रंथों में, जैसे कि विश्वामित्र नादि सूक्ता ऋग्वेद में, जो भारत की नदियों, पहाड़ों इत्यादि के प्रति इतना श्रद्धा विविध करते हैं। और इस प्राचीन लिटरेचर में बहुत सी भारत प्रशस्तियां मिलती हैं जो भारत के गुणगान करती हैं। तो संजय एक बात करते हैं किंग धृतराष्ट्र से और कहते हैं, लिसन यू ऑफ द भारत रेस, आई एम नाउ गोइंग टू रिकाउंट टू यू द हिस्ट्री ऑफ द ग्लोरियस लैंड कॉल्ड भारत। और जैसे जैसे भारत के विभिन्न इलाकों के बारे में लोगों को पता चला, तो भारत का विराट देह उन सब को नमन करता है। और एक प्रसिद्ध श्लोक है, ओ ये गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु एंड कावेरी, मे यू कम एंड एंटर इनटू दिस वाटर ऑफ माइन। सो द whole land began to be regarded as sacred land, and this is a story that we can follow when we study our ancient scriptures. Aur Vishnu Puran wo likhta hai Bharatvarsh ke bare mein, it is only after many thousand births and the aggregation of much merit that people are sometimes born in Bharat as men. विष्णु पुराण लिखता है, बहुत अच्छे कर्मों के बाद और हजारों जन्म लेने के बाद ही वो बहुत खुश नसीब लोग हैं जो भारत में उनका जन्म होता है। और भारत के प्रति ये जो अटूट प्रेम था और इसके प्रति जो श्रद्धा थी, ये मध्यकालीन भारत में एक बाहर से इतिहासकार आए अलबरूनी, शायद आपने उनका नाम सुना हो, और अलबरूनी अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं, हिंदू सोचते हैं कि उनके देश के बराबर में कोई और दुनिया में देश नहीं, उनका उनके जैसा कोई धर्म नहीं है, उनके जैसा कोई साइंस नहीं है, उनके जैसे कोई राज नहीं है, उनके जैसा कोई देश नहीं है। मतलब ये जो भावना इस देश के प्रति ये इतनी प्रबल थी कि एक विदेशी जो आता है यहाँ पर वो भी उसको नोट करता है। अब जब हम फंडामेंटल यूनिटी की बात करते हैं, तो फंडामेंटल यूनिटी जब हम बात करते हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो विचार था, इसी अगर ये सिर्फ बुद्धिजीवों के तक सीमित रहता तो उसको हम फंडामेंटल यूनिटी नहीं कहते। फंडामेंटल यूनिटी जब होती है जब कि अधिकांश लोगों को इन विचारों के बारे में, इन सिद्धांतों के बारे में पता है और उससे सहमत है। और कौन सी संस्था थी जिसने
इस देश के प्रति इतनी श्रद्धा लोगों में पैदा की और एक वो महान संस्था थी तीर्थ। तीर्थ तीर्थ ने तीर्थ हर धर्म में थे, हिंदुस्तान के हर धर्म में, लेकिन किसी भी धर्म के जो तीर्थ थे वो केवल किसी जॉब किसी यूनिट के किसी प्रांत तक सीमित नहीं थे। सब तीर्थ जो थे वो पूरे भारत से जुड़े हुए थे। तो आप ये नहीं कह सकते अगर आप जैन हैं तो आपके तीर्थ सिर्फ बिहार में हैं, नहीं, आपके तीर्थ पूरे देश तक फैले हुए थे। तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ तीर्थ डिड नॉट इनकरेज ज्योग्राफिकल अवेयरनेस, इट एनकरेज ऑल इंडिया आइडेंटिटी। सो एंड कितने लोग एंड राधा कमल मुखर्जी लिखते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिवेलपिंग ज्योग्राफिकल सेंस इन अ पीपल विच एनेबल्ड देम टू थिंक एंड फील दैट इंडिया वॉज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल यूनिटी बट अ सिंगल इमेंस ऑर्गेनिज्म filled with the tide of one strong pulsating life from end to end. Tirth did not allow any parochial provincial sense to grow which might interfere with the feeling of unity of the mighty mother. So what I've said so far, just to briefly recap, that the discovery of the whole geography of India, it is a very rare thing that we can trace this journey from northwestern India till the south in our sacred texts. Agastya Muni ka aapne suna hai kahani ki wo Vindhya paar ki aur kaise wo south gaye, phir tirth ka kya important hai. Aur ye matlab jab geographical unity aa gayi और ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड लैंड आ गया, सेक्रेड भारत आ गया, तो है लोग अंग्रेज कहते हैं कि भी हमारे आने से पहले आप में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जो टेक्स्ट हमारे पास बचे हैं, सब कुछ तो बचा नहीं, जो टेक्स्ट बचे हैं उनमें सबसे पहले भारत की राजनीतिक एकता का उद्देश्य कहाँ मिलता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं हिमालय से केप ओमरिन तक, ईस्ट से वेस्ट तक भारत में एक राजा होना चाहिए। अब ये एक राजा होना चाहिए, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली अचीव इट इन द एंशिएंट पीरियड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट ये आइडिया कि चक्रवर्ती राजा का क्षेत्र, चक्रवर्ती राजा का क्षेत्र हिमालय से दक्षिण तक और समुद्र से समुद्र तक है, ये हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहले मिलता है। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मणा, ये 500 BC तक इसका ये ग्रंथ लिखा गया था और ये कहता है, वही चीज कहता है कि हिमालय से नदी तक भारत में एक शासक होना चाहिए। और भाष्य जो हमारे संस्कृत के अर्लीस्ट प्ले राइट हैं वो कहते हैं कि हमारे लायन किंग शेर जैसा राजा उसको हिमालय से नदी तक राज करना चाहिए। और आप देखेंगे कि पॉलिटिकल यूनिटी अर्ली इंडिया में पूरे देश में नहीं हासिल हुई, लेकिन हर राजा को पता था कि मेरे को चक्रवर्ती बनना चाहिए और हर राजा चक्रवर्ती राजा बनने का प्रयास करता था और ये कहता था। तो ये यूनिटी ऑफ द लैंड, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, एंड देन देयर इज पैथीनसी, वो उन्होंने धर्मशास्त्र पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम लिखा जो अर्थ वेद का हिस्सा है। और वो कहते हैं हिमालय से कन्याकुमारी तक धर्म चार टांगों पर खड़ा है। धर्मा स्टैंड्स ऑन फोर लेग्स
फ्रॉम द हिमालय टू केप कॉम्बे. इसका मतलब है कि एक वैल्यू सिस्टम वॉज इन्फोर्स फ्रॉम द हिमालय टू द सीज. Now all these people were looking upon India as one unit. It may not have been physically in politically one unit, but the ideal was one ruler, one set of values, the same dharma from north to south. Ab fundamental unity jaise maine kaha वो तभी हासिल हो सकती है जब साधारण लोग इन सिद्धांतों और इन वैल्यूज को शेयर करते हैं. 8-10 बुद्धिजीवी पॉलिटिकल फंडामेंटल यूनिटी की बात करें, उसको हम फंडामेंटल यूनिटी नहीं कहते. तो अब हम फंडामेंटल यूनिटी का जब डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो बाद में हम हिंदुइज्म का नाम मिला, उनमें कितनी समानताएं, उनके जो लेजेंड्स थे, उनके बिलीव्स थे, वो कितने समान थे. जैन्स मानते थे कि वासुदेव और बलदेव, उनके भाई बलदेव, उनके 63 इलस्ट्रियस पुरुषों में हैं. जैन्स के 24 तीर्थंकर्स होते थे, विष्णु के 24 फॉर्म्स थे. तीर्थंकर ऋषभ इज रिगार्डेड बाय द जैन्स एज एन अवतार ऑफ विष्णु. तो ये देखिए कि जो धर्म है वो जैन्स अपने आप को अलग नहीं कर रहे, वो अपने धर्म में और विष्णु के भक्तों के धर्म में कितना समानताएं बता रहे हैं. गौतम बुद्ध के धर्म चक्र का विष्णु के सुदर्शन चक्र से कितनी समानताएं थी. बुद्ध के पदों की पूजा होती थी, विष्णु के पदों की पूजा होती थी, और इस हद तक कि गुप्ता पीरियड में बुद्ध को अमंग द लास्ट अवतार ऑफ विष्णु माना गया. तो ये जो बिलीव्स हैं, ये आम जो जनता थी उनमें ये फैल गई थी कि बुद्धा कोई विष्णु वैष्णविज्म से अलग नहीं है, बल्कि वो विष्णु के लास्ट अवतार है. तो एक रिलीजन जो है दूसरे के साथ कोई संघर्ष नहीं है, वो अपना रहा है, ये हम देखते हैं. और जो सेक्रेट सिंबल्स थे वो कितने कॉमन थे, चैत्य स्तंभ, सेक्रेट ट्रीज, अष्टमंगलिका, स्तूपा, चक्र, ये आप बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म सब में देखते हैं. गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक कुबेर, लक्ष्मी, गणेश, ये आप जैन मंदिरों में देखेंगे, बुद्धिस्ट में देखेंगे और हिंदुइज्म में तो देखते ही हैं. श्रीवत्स, कल्पवृक्ष, ये कोई एक रिलीजन में नहीं है, ये आप सब में देखते हैं. अच्छा, अब अयाग पट्ट एक जैन टैबलेट ऑफ होमेज है. तो छोटा सा इतना टैबलेट होता है और उसको खड़ा करके वहां पे पूजा जाता था. अधिकांश जो अयाग पट्ट मिले हैं वो जैन के हैं, तो हमने सोचा कि अयाग पट्ट एक जैन विशेषता है. लेकिन जब एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट मथुरा में एक्सकवेट कर रहे थे, खोज रहे थे, तब उनको बुद्धिस्ट अयाग पट्ट भी मिले. और दूसरी बात ये है कि हम सोचते हैं कि स्तूप बुद्धिस्ट फीचर है, लेकिन एक जमाना था कि स्तूप जैन्स भी स्तूप्स बनाते थे और मथुरा में पहला जैन स्तूप मिला है. और एक कहानी है कि जैन स्तूप और बुद्धिस्ट स्तूप इतने एक जैसे लगते थे, और तीन कनिष्क जो बुद्ध के भक्त थे वो एक बार जैन स्तूप में चले गए, उन्होंने सोचा कि बुद्धिस्ट स्तूप है और वहां पे बुद्ध की पूजा करने लगे. और ये जो शब्द है तीर्थंकर, चिना, अरहंत, केवले, ये
बुद्धिस्ट में भी हैं और माँ काली कौशल जो आजीविका के फाउंडर थे उन्होंने भी इस्तेमाल किया, तो ये टर्मिनोलॉजी भी बहुत सिंपल सिमिलर है। इसके अलावा हमको ये पढ़ाया गया है कि जो ये धर्म था और जिस ये जो समाज थी प्राचीन भारत की, ये बहुत कट्टरवादी थी, ये शोषण करती थी महिलाओं का, जातिवाद बहुत प्रचलित था, लेकिन इसके विरुद्ध हमारे पास बहुत बहुत सबूत हैं। मथुरा में जो अय्यापट्ट मिले हैं, जो अर्लिएस्ट जैन सेक्रेट साइंस हैं, आपको हैरानगी होगी दैट मजॉरिटी ऑफ द अय्यापट्टस वर बाय विमेन। अय्यापट्टस महिलाओं ने बनवाए और डोनेट किए धार्मिक संस्थाओं के लिए। और जो पहली सरस्वती की मूर्ति भारत में मिली है वो मथुरा से मिली है, और वो सरस्वती की मूर्ति के हाथ को कटे हुए हैं क्योंकि मथुरा पर इतनी बार आक्रमण हुआ, लेकिन उसके पेडेस्टल पे एक इंस्क्रिप्शन बचा हुआ है और वो इंस्क्रिप्शन बताता है कि मूर्ति किसने बनवाई। और वो एक मेटल वर्कर था, एक साधारण कार्यकर्ता था, और वो अपना नाम दिखता है और कहता है कि मेरा कार्य ये है और मैंने ये सरस्वती माता के लिए ये मूर्ति बनाई। तो जैन महिलाओं का इतना पार्टिसिपेशन आप देखते हैं, तो समाज के हर वर्ग कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैंने आपको उदाहरण दिया मेटल वर्कर, जो एक मतलब लोहार था उसने बनाया। अब आंध्रा में 3 बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पर हमको किसने बनाए वहाँ पे, किसने डोनेट किया, उनके बारे में इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिले हैं। और उन शिलालेखों से पता चलता है कि मर्चेंट्स, मॉक्स और गोल्डस्मिथ। सो नाउ जस्ट कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज मथुरा, बिकॉज मथुरा बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इमेज वर्शिप एंड नन ऑफ द इमेजेस दैट वर मेड इन मथुरा इन द इनिशियल पीरियड वर बाय किंग्स और रॉयल, दे वर अगेन बाय ऑर्डिनरी। So when we talk about fundamental unity, I would like to conclude by saying fundamental unity means unity where large sections of the population share the values common to the society, and this is the picture that we get from study of ancient India. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Before we proceed, I announce it to the audience that we'll have a question and answer session. So students, please be ready with your question for the speakers. I now invite Nath Kumar ji for his speech. Very good evening to one and all who are present here. Most respected Professor Meenakshi Jain ji, dear Sri Kavindra ji, who is convener of Anubhuti, and all my young brothers and sisters, also teachers and all workers of Yuva, my humble pranams to you all. In 2019, as usual in Nagpur, there was Vijayadashmi function, and in that Vijayadashmi function, as you are aware about the fact that the Pujaniya Rashtriya Swayamsevaka Sangha Sarasanga Chalak Mohanji Bhagavat is to, or any Sarasanga Chalak will address the whole world during that function. In 2019, that is 3 years back, he has made a pertinent point
in that speech. And many of the media people have considered it as the content and the very nucleus or the focal point of that speech. He clearly stated that a swa-centered, swa-centric collective approach is necessary to solve our social, educational, cultural, economic, and what not, all problems which we are facing. हम सब अभी जो फेस कर रहे हैं, ये सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय स्व-सेंटर्ड, सेल्फ-फुट सेंटर्ड अप्रोच। इसका मतलब क्या है? We haven't taken, we haven't followed such an approach when we got the political freedom in 1947 August 15. होना चाहिए था। 1947 अगस्त 15 को जब हमको हम स्वाधीन हो गया, वो स्वाधीनता के साथ साथ उस प्रकार का एक अप्रोच हम करना चाहिए था। बताए तो मैं तो सुदूर दक्षिण से हूँ, मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह हिंदी मालूम है आप लोगों को। था उसके मतलब इट हैजंट हैपन, इट वाज टू हैपन, इट हैज टू हैपन। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, जो सत्ता के जो नेतृत्व में आए हुए लोगों के मन में जो विचारधारा चल रहे थे, वो विचारधारा बिल्कुल हमारे स्वत्व के आधार पर जो डेवलप हुए विचारधारा नहीं था। They were blindly following. I am not mentioning any particular name. If at all I am mentioning any name, it's all I'm indicating towards a particular school of thought only. क्या हुआ था? कम्युनिज्म से बहुत प्रभावित, सोशलिज्म से प्रभावित लोगों ने सत्ता में आए। And right from the beginning of our independent India's history, in the preliminary period, in the प्रारंभिक दिनों में, ऐसा ही बताया था, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मार्ग पर चलना पड़ेगा हमको। हम हमारे ये विचारधारा के आधार पर एक मार्ग ढूंढा नहीं, वरना इस प्रकार का काम किया। ये काम उसी समय शुरू किया, ये भी सच नहीं है, उसके पहले ही शुरू किया था। आप ऐसे कई लोगों ने, इतिहास के विद्यार्थी लोग, इतिहास को अध्ययन करने वाले लोग, आप सभी को मालूम है, व्हेन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज गोइंग ऑन, you know, international congress was the was at the helm of the affairs, at least in the 20th century. I'm not saying about the independence struggle which has started years back. इसी सदी में कम से कम मेन पोजीशन पर कांग्रेस ही था। In 1936, कांग्रेस का जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट वॉज जवाहरलाल नेहरू, वो लखनऊ में कांग्रेस मीटिंग चलने वाला था। उस मीटिंग के प्रेसिडेंशियल एड्रेस करने के लिए, प्रेसिडेंशियल एड्रेस करने के पहले ही विजिटेड इंग्लैंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एंड ही मेट द इनचार्ज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डेप्यूटेड बाय द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमरेड पामेकर, रजनी पामेकर। रजनी पामेकर का डायरेक्टेड and even, and I would dare to say even, dictated him the main points of his presidential address. It is not just an allegation, it is already in the public domain. It is quite clear, if you are going through that presidential address, it is there in Google, you can search it for. First 2-3 paragraphs, if you go through thoroughly, you will come to the conclusion that Jawaharlal Nehru ji was expecting a communist revolution in Bharat also. He was saying, the only block which is progressing is the communist block. Developing is communist block. Russia is leading a developmental process. Communist ideology is giving a prakar ka ek pratiksha. Hum sabhi ko de rahe hai. इस प्रकार उन्होंने उस स्पीच में बताया। उसके बाद आप सभी को पता होगा, नन्ना कर्दन महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच
बीच में वैचारिक गैप बढ़ गया इन 1930s। उसका एक कल्बिनेशन इस रूप में अगर देखा है तो इन 1946, आई एम जस्ट गिविंग सम इंपॉर्टेंट डेट्स एज फार एज अवर इंडिपेंडेंट हिस्ट्री इज कंसर्न्ड। In 1946, Mahatma Gandhiji wrote a letter to Jawaharlal Nehru. भारत की स्वतंत्रता, भारत को भारत स्वाधीन होने वाला है। Britain has already decided it in principle that we have to give independence to all the colony nations, including Bharat. So it is going to happen today or tomorrow. So my point is, Bapuji, Jawaharlal Nehru ji को लिख रहे हैं। My point is, what should be our ideology, our principle, our total plan regarding the future Bharat? स्वतंत्र भारत के बारे में हमारा सोच क्या होना चाहिए? इसके बारे में अभी नहीं करना। I have already made it clear in Hindu Swaraj. Hindu Swaraj में मैंने इसके बारे में पहले ही बता चुका है। भारत primarily living in villages, गांव में है। हमारे जो आर्थिक व्यवस्था का जो एक प्रकार का ओरिएंटेशन विलेज ओरिएंटेड होना चाहिए। एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे विषय उन्होंने बताए। वी कॉन्ट जस्ट एट द वेस्टर्नर्स, ये सब उन्होंने बताया। हिंदू स्वराज का जो कल्पना को लेकर वो लेटर लिखा। आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी ऑफ यू हैव many of you might have read Gandhiji's letter, but I am not quite sure Nehruji's letter, इसका reply किसी ने पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए। उसका reply, my dear Bapu, आपने जो हिंदू स्वराज के जो बात बताया था वो उसी समय ही मैंने लिखा, मैंने पढ़ा। And I, at that moment itself, I came to the conclusion that ये एकदम देखियालुसी है। भारत को पीछे ले जाने का एक विचारधारा है हिंदू स्वराज में। आपने आपके पुस्तक में बताया था ये हिंदू स्वराज विचार को कांग्रेस ने अप्रूव किया, ऐसा भी आपने एक दावा किया है, ये सरासर झूठ है। देखिए किस प्रकार के गुरुदक्षिणा दे रहे हैं नेहरू गांधी जी को। नेहरू लिख रहे हैं कांग्रेस इसको अप्रूव नहीं किए। एंड ऑल्सो यू आर सेइंग अबाउट विलेजेस, आई डोंट थिंक दैट भारत इज लिविंग इन विलेज, गांव में जिया जी रहे हैं, ये कल्पना मेरे को नहीं है। ये गांव अंधविश्वास सटे हुए है। अंधविश्वास जहां वो कलेक्ट हो गए हैं उसको कहते हैं गांव। इस गांव का चेहरा को कम से कम जल्दी से जल्दी समय में इसको उखाड़ करके फाड़ करके फेंकना चाहिए, तब जाकर हमको आगे बढ़ सकते हैं। I don't want to go much deep into that reply, but the thing is that एक प्रकार से महात्मा गांधी जी भारत के आत्मा से रिलेटेड एक विचार को सामने रखा था। How far he himself has followed it later on, how far he has compelled the Congress leadership to follow it, that's a different question and different debate का विषय। I don't want to go into that, but the thing is that हिंदू स्वराज के द्वारा गांधी जी ने जो रखा हुआ जो विचार, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, सोशल सेटअप के रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, सब है। भारत का जो फंडामेंटल यूनिटी के बारे में भी बहुत बात उन्होंने उसमें बताया था। एक्चुअली दैट बुक हैज बीन रिटन टू काउंटर द आर्गुमेंट और नैरेटिव सेट बाय द इंग्लिश पीपल अगेंस्ट भारत। भारत के फंडामेंटल यूनिटी, राष्ट्र कल्पना के बारे में जो हमारे जो कंसेप्ट को, भारतीय कंसेप्ट को नकारने के लिए जो इंग्लिश लोगों ने प्रयास किया, इसके रिप्लाई के रूप में लिखा था, व्हाट एवर इट बी, बट नेहरू जी वाज टोटली अगेंस्ट दैट। एंड टोटली अगेंस्ट इतना भी नहीं है, एक वेस्टर्न फॉरेन आइडियोलॉजी को भारत के विचार इस रूप में अपनाने के लिए कोशिश की, कोशिश करके कुछ आगे बढ़े। लेकिन क्या हुआ है हम सभी को मालूम है, भारत के जो 5 ईयर प्लानिंग वगैरह तो आगे चलते चलते कितना भी भारत दरिद्र से दरिद्रता से दरिद्रता के ओर चल रहे, ये समझ में आने के बाद फिर एक मिली जुली मिक्सर इकोनॉमी को अपनाने के लिए कोशिश किया। कुछ समय के बाद उसी लोगों ने पूर्णतया कैपिटलिज्म के ओर चलने का प्रयास कर रहे।
शायद ये सब देखकर ही होगा मैंने जो शुरुआत में 2019 में विजयदशमी एड्रेस में पूजनीय सत्संग डाले जी ने एक बात बताया, वी हैव टू फॉलो ए स्वास्थ्य सेंट्रिक अप्रोच टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम एंड ऑल्सो टू प्रोग्रेस अवर सेल्स। हमको आगे बढ़ना चाहिए तो वो होना चाहिए स्वास्थ्य सेंट्रिक। ये स्वास्थ्य सेंट्रिक अप्रोच सभी विषयों के बारे में होना चाहिए, एजुकेशन के बारे में होना चाहिए, इतिहास रचना के बारे में भी होना चाहिए। प्रोफेसर मीनाक्षी जैन जैसे लोगों ने इसके लिए प्रयास करे, ये रिकमेंडिंग फॉर दैट ट्राइंग टू ठीक तरह से ठीक रास्ते में भारत के इतिहास को लाने के लिए कोशिश कर। ये सब हुआ नहीं, कारण इसके वजह से आज के जो पीढ़ी, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, बट आज के जो जनरेशन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, इन जनरल भारत के इतिहास के बारे में ठीक जानकारी हमारे पास नहीं है। आई एम क्वाइट श्योर दैट आई नो आई एम एड्रेसिंग यू इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट व्हाट वी आर रीडिंग और लर्निंग इन द हिस्ट्री क्लासेस, ये सही में भारत की सही हिस्ट्री नहीं है, सही हिस्ट्री नहीं है। इसके वजह से भारत की स्वतंत्रता संग्राम संबंधित जो इतिहास हम पढ़ रहे वो भी ठीक तरह से हम पढ़ते नहीं। सिंपल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, वहां से लेकर डिस्प्यूट आ रहे, व्हाट इज बीन अप्रूव्ड एज ए हिस्टोरिकल फैक्ट, नहीं तो कुछ लोगों ने क्लेम करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, या इवनिंग डिस्कशन में टीवी चर्चा में जाकर कुछ लोग कहते हैं 1885 में शुरू कर दिया। 1885 का सिग्निफिकेंस क्या है, 1885 में ही एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत किया है एक इंग्लिश मैन, व्हाट वाज़ द पर्पस, भारत को स्वतंत्र करने के लिए शुरू किया है क्या वो पार्टी, दैट पार्टी वाज स्टार्टेड एज अ सेफ्टी वॉल टू डिफ्यूज द प्रेशर इट वाज माउंटिंग इन भारत अगेंस्ट इंग्लिश, अंग्रेजी लोगों के खिलाफ भारत के अंदर जो दबाव बढ़ रहा था इसको डिफ्यूज करने के लिए एक सेफ्टी वाल के रूप में इसका स्थापना हुई 1885 में। वेल एंड गुड, बट लेटर ऑन लोकमान्य तिलक, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, महर्षि अरविंद, डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर हेडगेवार, महर्षि अरविंद जैसे लोगों ने इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन को एक फाइटिंग फोर्सेस रूप में, एक नेशनलिस्ट फाइटिंग फोर्सेस रूप में परिवर्तन किया, उन सभी को मालूम है। बट द क्लेम दैट 1885 में शुरू हुआ भारत की स्वतंत्रता संग्राम, ये ठीक नहीं है, फैक्चुअल एरर है। ऐसा ही तो कब शुरू हुआ, कुछ लोग कहते हैं, अपने भी कुछ लोगों ने कहते 1857 में शुरू हुआ। वीर सावरकर जी ने बताया, ऐसा भी क्लेम करने वाला लोग है, वीर सावरकर जी ने पुस्तक भी लिखा, ऐसा भी कहते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर सावरकर जी हैज रिटन ए बुक इन द नेम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नो, स्टिल आपको पुराने पुस्तक मिलते हैं इसका कवर देखिए 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेटर ऑन समन सामान्यता होते हैं ना उसका एक राष्ट्रीय स्तर पर ऑल ओवर भारत में एक ही समय पर हुए संघर्ष, उस दृष्टि पर देखा है तो फर्स्ट था, इसलिए किसी ने बताया था। अगर 1857 वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा है तो आप भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए हुए डाउन साउथ केरल के अंदर वेलिंगटन की दलवा ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया 1802 टू 1809, मतलब ये 1857 का भी लगभग 50 साल पहले वीर पड़सी ने युद्ध किया ब्रिटेन के खिलाफ, वीरपांडे कट्टकोम्मन ने तमिलनाडु में युद्ध किया, वेलु नाचियार एक रानी, अगर एनी एज शी फाउंडेड ए विमेन आर्मी। सामान्यता भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ गलत नवेदी भी चल रहा है, उसमें ऐसा कहते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम बहुत पुराने नहीं, एक लेटर स्टेज में प्रारंभ हो गया है, और दूसरा बताते हैं इट वॉज प्रिडोमिनेंटली ए नॉर्थ इंडियन अफेयर,
यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों को बहुत अच्छा लगते हैं क्योंकि आप दिल्ली के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं ज्यादातर, लेकिन बेचारे मैं क्या करूँ, मैं सबसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से दक्षिण के दक्षिण देश को दक्षिण राज्य को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहने के पीछे दो उद्देश्य है, वो भी हम समझना चाहिए। बिकॉज इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज प्रिडोमिनेंटली नॉर्थ इंडियन अफेयर, ये कहने से दे आर विदाउट सेइंग दे आर सेइंग भारत वॉज नॉट वन, साउथ इंडिया एक अलग प्रदेश है, वो अलग राष्ट्र है, इसलिए वहां स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुआ, ठीक है क्या? तीसरा बताते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम लेकर अपर कास्ट अफेयर था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय लोग केवल युद्ध किया, ऐसा भी करते हैं। इट वॉज एन अर्बन बेस्ड वन, ये भी करते हैं। एंड इट वॉज मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स वर इंग्लिश एजुकेटेड मेल, पुरुष लोगों ने किया, महिलाओं को कोई योगदान नहीं था। ऐसा अगर आप देखा है तो यहाँ एंगर जो बहन जी ने पहले बताया था 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आए पहले था, उसके साथ साथ कुछ कम समय के अंदर वो मंगलूर के उल्लाल के प्रदेश में भी गया, उल्लाल उल्लाल राज्य के ऊपर आक्रमण किया, एंड दैट पुर्तगाल राजा पुर्तगाल सेना ने उल्लाल के राजा को ड्राइव करके उनके साथ में ले लिया, बट उस राजा की रानी रानी अंबक्का विनवासित इन 1550 दैट मींस 16th सेंचुरी के मिडिल पे लगभग 1857 के 300 साल पहले रानी अंबक्का डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पुर्तगाल, युद्ध प्रारंभ किया। कुछ उस समय के धर्म के बारे में ठीक जानकारी नहीं है ऐसे लोग, सनातन धर्म के प्रतिनिधि ऐसा मानने वाले कुछ लोग रानी अंबक्का को कुछ उपदेश देने के लिए गया और कहा, देखिए भारत के सनातन धर्म का मूल प्रिंसिपल में पति कौन सी रास्ता में जाते हैं उसी रास्ता में पत्नी जाना चाहिए, वो पत्नी धर्म है, वो जाना चाहिए, ऐसा बताया। अगर पति मर गया है तो वो चिता में वो स्वयं पीछे जाना चाहिए, ऐसा करते हैं। ये कहने के लिए कोशिश किया कुछ लोगों ने, उनको भी पुर्तगाल के साथ हाथ से कुछ मिला है क्या पता नहीं, लेकिन दैट ब्रेव लेडी अनाउंस्ड पब्लिकली दैट मेरा सनातन धर्म मेरे को सिखाते हैं अगर देश खतरे में है तो एक महिला का धर्म पत्नी धर्म पालन नहीं है, देश का धर्म पालन है। This mighty Portugal force has been defeated more than 5 or 6 times. Many of the captains were killed in the fight by this lady, this Rani, Rani Ambakka. Can you say that यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेतृत्व में महिला लोग नहीं थे? इसके साथ साथ मैंने नाम पहले बताया था वेलु नाचियार, she is also from south, तमिलनाडु के शिवगंगा राज्य के रानी, उनके ऊपर ब्रिटेन विद द हेल्प ऑफ आर्कोट नवाब कुछ लोग कहने के लिए कोशिश करते हैं यहाँ के जो मुस्लिम राजाओं ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया, टीपू सुल्तान ने युद्ध नहीं किया है क्या, ऐसा पूछते हैं, लेकिन सच क्या है वो जरा अध्ययन किया है तो मालूम होगा, आर्कोट नवाब सपोर्टेड द एनीथिंग टू इंग्लिश, इनका सपोर्ट दिया था, ये दोनों दो फेस से उल्लाल करके छोटे राज्य के ऊपर आक्रमण किया, बट वेलु नाचियार वहां भी अब हम समझने की जरूरत है दैट कैन रानी फाउंडेड ए विमेन आर्मी, लेट दैट विमेन आर्मी एंड मेंस आर्मी टुगेदर फॉर अगेंस्ट दिस टू फोर्सेस इंग्लिश एज वेल एज आर्कोट नवाब फोर्सेस। बीच में आपको कहानी आप सभी को मालूम है, आपने बहुत अकेडमिक एक स्पीच सुना है, थोड़ा कहानी भी सुन लीजिए भारत के इतिहास के बारे में। वेलु नाचियार फोर्ट किया, फोर्ट बाय किया, लेकिन विद इन नॉट टाइम इंग्लैंड एंड आर्कोट नवाब रीइंफोर्स्ड आर्मी के साथ फिर से आक्रमण करना प्रारंभ किया, तब जाकर वेलु नाचियार कैन लेडी रूलर, उन्होंने उनके सभा बुलाया, उनके सेनानायक, उनके जासूसी एजेंसी के लीडर सबको बुलाए, जासूसी एजेंसी का लीडर एंड उसका जो कैप्टन कुइली करके
साउथ से जो लोग भेजे हैं तो उन लोगों को मालूम ही होगा, नॉर्थ में थोड़ा अजीब सा लगेगा नाम, कुइली नाम। एंड कुइली हैज बीन गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस सडन रीइंफोर्समेंट ऑफ फोर्स। शी फाउंड इट आउट व्हाट वाज द रीजन। इंग्लिश पीपल्स का जो एक आर्मामेंट डिपो, एक हथियार रखने का एक जगह आकबर नवाब की सहायता से बनाकर रखा है, वहां से नया नया हथियार लेकर आक्रमण करते रहते। विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट, विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट वी कांट विन। हमें से कितने लोग, कुछ लोग तो सुने होंगे क्योंकि एक डेढ़ साल से इस प्रकार के विषयों के बारे में खूब चर्चा प्रारंभ हुआ है। बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे देश के नेता लोग भी इस प्रकार के कहानी बताना प्रारंभ किया, ये इतिहास बताना प्रारंभ किया, इसलिए हम सभी को एक गर्व महसूस होना प्रारंभ हो गया। रिपोर्टेड टू रानी दैट आई विल सी मेक श्योर दैट आर्मामेंट डिपो विल बी डिस्ट्रक्टेड, यू प्लान अबाउट द सेकंड अटैक। कुली पूरे शरीर में घी जैसा इन्फ्लेमेबल सब्जेक्ट से उन्होंने नहाया। एंड एक मशाल, बाएं हाथ में मशाल और दाएं हाथ में खड्ग लेकर रुद्रकाली जैसा उन्होंने वो आर्मामेंट डिपो के अंदर जाकर खुद पर शरीर पर आग लगाया, एक्सप्लोड किया स्वयं। एंड दैट आर्मामेंट डिपो ऑफ इंग्लिश पीपल हैज बीन इंग्लिश आर्मामेंट डिपो ऑफ डिस्ट्रॉयड। मरुदु प्रदेश ऐसा पेरिया मरुदु चिन्ना मरुदु
बड़ा बड़ा मन तो छोटा मन दोनों बहुत धीर वीर शूर पराक्रमी थे। ये सब केवल कहानी ऐसा कुछ लोगों के लगा, डॉक्यूमेंटेड है इसलिए बता दो। युद्ध वृत्तन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के पहले ये दोनों मरुदु ब्रदर्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ए प्रोक्लेमेशन, ए डिक्लेरेशन, ए डिक्लेरेशन व्हाई वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन एंड व्हाई यू ऑल मस्ट सपोर्ट अस। आप सभी लोग हमारे साथ क्यों आना चाहिए इसको करके एक डिक्लेरेशन में जारी कर दिया। आई डोंट वॉन्ट टू गो डीप इन टू द डिक्लेरेशन पॉइंट, आई ओनली वॉन्ट टू मेंशन अबाउट द हेडिंग एंड टाइटल गिवन बाय पेरिया मरुद टू दैट डिक्लेरेशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डिक्लेरेशन? जम्बूद्वीप डिक्लेरेशन, जम्बूद्वीप डिक्लेरेशन। आई एम नॉट श्योर दैट बोथ दीस मरुदस वर नॉट एक्सपर्ट इन संस्कृत, बट दे न्यू दैट एक विशाल भारत आज जो देख रहे हैं ब्रिटेन के हाथ में जो भारत है उससे भी बड़ा एक जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारत भारतवर्षी। एक बात को मन में रखकर केवल ज्योग्राफिकल बाउंड्री का जो स्वतंत्रता के लिए नहीं है, हिमयमाला तक, हिमयमाला यानी तमिलनाडु में हिमालय, हिमालय तक का जो भारत उसके भी आगे भारत की संस्कृति जहां जहां गए ये पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए हम लड़े, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया जम्बूद्वीप। मैडम अभी फंडामेंटल यूनिटी के बारे में बताया, ये फंडामेंटल यूनिटी का कंसेप्ट नो मैटर वेदर दे हैव गॉन टू हिमालय, वेदर दे हैव विजिटेड जम्मू कश्मीर, बट दे हैव व्हाट द कंसेप्ट ऑफ दैट अखंड भारत के जो कंसेप्ट उनके मन में था इसलिए उन्होंने उस प्रकार का नाम दिया। वेलिंगटन में तलवार ने जो संघर्ष प्रारंभ करने के पहले भी एक प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया, डिक्लेरेशन, व्हाई आई एम फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन। ये सभी में ये बात आपको मालूम जाते हैं, इट वॉज ऑल फॉर दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्व और सेल्फ रूल। इसलिए कहते हैं भारत की स्वतंत्रता संग्राम इट वॉज ए बैटल फॉर सेल्फहुड, भारत के स्वत्व को स्थापना करने के लिए युद्ध किया। और लेदर वर्क इस तरह के लोगों ने इन बुद्धिस्ट स्तूपास में आंध्रा में डोनेट किया। और मैं उदाहरण देना चाहूंगी और सांची का, आप सब ने सांची के बारे में सुना है। तो पहला सांची का स्तूप किंग अशोक ने बनाया, वो छोटा सा स्तूप था, वो ब्रिक और बैम्बू से बना हुआ। इतिहास बताए तो टोटली पॉलिटिकल है स्वतंत्रता संग्राम, इसलिए हमारा जो कितने भी एनालिसिस किया है तो भी हम दो प्रकार के संघर्ष करने वाले लोगों के मेजॉरिटी ऑफ आवर डिस्कशन वाज कंसंट्रेटिंग ऑन डिपेंडिंग अपॉन दी सो कॉल्ड मितवादी मॉडरेट्स, थोड़ा बहुत एस्टिमेट्स के बारे में भी बताते हैं, टोटली पॉलिटिकल फाइट किए हुए लोगों के बारे में। लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ एजुकेशन को स्वतंत्र करने के लिए, कल्चर को स्वतंत्र करने के लिए, इतिहास को स्वतंत्र करने के लिए, भारत के व्यवस्था उद्योग को स्वतंत्र करने के लिए, भारत के फिल्म वर्ल्ड को एक प्रकार से भारतीयता के आधार पर फिल्म शुरू करने के लिए, कला को प्रस्थापित करने के लिए जितने जितने न जाने कितने हजारों ने प्रयास किया है, ये सब स्वतंत्रता संग्राम था, ये समझने की जरूरत है। इसका बैकग्राउंड महर्षि अरविंदो कहते हैं, ऑफ दैट टास्क पॉलिटिक्स इज अ पार्ट बट ओनली अ पार्ट, वी शैल डिवोट आवरसेल्व्स नॉट टू पॉलिटिक्स अलोन, नॉट टू सोशल क्वेश्चंस अलोन, नॉट टू थियोलॉजी और फिलोसफी और लिटरेचर और साइंस बाय देमसेल्व्स, बट वी इंक्लूड ऑल दीस इन वन एंटिटी which we believe to be all important, the dharma, the national religion, which we also believe to be universal. There is a mighty law of life. Maharshi Aurobindo कहते हैं, केवल पॉलिटिक्स है और केवल सोशल है ये कहने से काम नहीं चलेगा, we have to approach it integrally, एक समग्र एकात्म अप्रोच की जरूरत है। What was the mighty Maharshi Aurobindo? वो एक पक्का ये बाकी लोगों के जैसा पॉलिटिशियन नहीं था, इसलिए पॉलिटिकली करेक्ट होने की आवश्यकता नहीं था, ये बात मतलब वो सो पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं था, इसलिए वो मिक्स नहीं करते हुए वो
ही डोंट वांट टू कंटेस्ट द नेक्स्ट इलेक्शन. नेक्स्ट इलेक्शन खड़ा होना चाहिए तो थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए. महर्षि अरविंद को ऐसा नहीं था, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बताया व्हाट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल, इट इज धर्म. व्हाट इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इसका नाम क्या है? वो कहते हैं इट इज दिस इज द सनातन धर्म, द एक्सटर्नल रिलीजन. Under the stress of varying impacts, she has largely lost hold not of the structure of that dharma, but of its living reality. और उन्होंने फिर बताते, what to the whole of life it is to be applied. Its spirit has to enter into and mold our society, our politics, our literature, our science, our individual character, affections and aspirations. सभी में ये स्व मतलब अरविंदो के कहने के अनुसार सनातन धर्म भारतीय प्रिंसिपल पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में, एजुकेशन में, हिस्ट्री में, लिटरेचर में, कला में, सब में आना चाहिए. स्वामी विवेकानंद सेम थिंग. Those great leaders who were inspired by Swami Vivekananda and Maharishi Aurobindo started working in this line. That's why Rabindranath Tagore has started educational institution, Shiksha Sansthan ko sthapna kiya Bharatiya Marga. Isliye apne Rabindranath Tagore, Nandalal Bose jaise logo ne kala ke kshetra mein Bharatiya ka aapko maloom hoga, Bharatiya ki kala parampara, kala ke ek tradition in which kala is being defined very clearly that sa kala ya mukta hai. मुक्ति देने के लिए ही कला, बट दैट कला पाथ हैज बीन सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश पीपल. व्हेन वी आर एनालाइजिंग, व्हेन वी आर स्टडीज द इंडिपेंडेंस स्टेट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एनालाइज करने के समय उस पाथ को भी हम देखना चाहिए कैसे सप्रेस किया. द सो कॉल्ड विक्टोरियस मोरालिटी बताकर देयर इज ए स्पेशल चीज इंग्लिश लोगों का, एक विक्टोरियन मोरालिटी. ये विक्टोरियन मोरालिटी कहकर उन्होंने भारत के बहुत सारे नृत्य रूपों को बैन किया, मणिपुरी डांस को बैन किया, केरल के मोहिनी नाटक को बैन किया, और इसके साथ साथ भारत के अंदर एक प्रकार से फाइटिंग स्पिरिट बना बढ़ाने वाले हमारे जो कलरी से अखाड़ा से मार्शल आर्ट सीखने का हमारे ट्रेडिशनल मेथड, इसको उन्होंने रोका. इसके खिलाफ भी संघर्ष हुआ था. When Manipuri dance was banned by the English leaders on the basis of the Theater Act, Rabindranath Tagore स्वयं आगे आया और विश्व भारती विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया वो ये मणिपुरी डांस सिखाने के लिए. क्या करेगा? केरल के अंदर मोहिनीअट्टम बैन करने के समय केरल के सबसे जाने माने कवि वल्लभोल नारायण मेनन, he himself came forward and fought against that. So, मेरा कहने के मतलब ये महर्षि अरविंदो या स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने हमारे जो ऋषि परंपरा ने जो प्रेरणा दिया है वो प्रेरणा को लेकर भारत इस कंसेप्ट को सामने रखकर, इस सांस्कृतिक भारत को कंसेप्ट में रखकर, कोई कहता तो उदाहरण कह रहे थे ना आपको समूह रखा है, ये संघर्ष हुआ था. फिल्म के वर्ल्ड में how many of you are aware of the fact that the film cinema, it is very much close to many of you are. That's why I'm saying why Dada Saheb Phalke started film, founded Indian film, Bharatiya cinema kyon prarambh kiya. He happened to see a film and in that film, the first film which was Dada Saheb Phalke's family show. Dada Saheb Phalke iske pehle bhi film dekhe the. When he take his family members also to see a film in Mumbai, उन्होंने Life of Jesus Christ देखना था. उसी दिन एक Good Friday था, इसलिए फिल्म वही था. सभी लोगों का Jesus Christ का है तो भी उनके जीवनी देखने में क्या पति है, बहुत आनंद आ गया बाकी लोगों. But Dada Saheb Phalke, a true follower of Lokmanya Tilak and Maharishi Swami Vivekananda, he was thinking when Jesus Christ was entering into the screen, silver screen में आने के समय, he was thinking, Sri Krishna आ गया तो कैसा होगा? He was thinking when Saint Thomas आ गए, उस समय उनके मन में आ गया, भारत के वशिष्ठ आ गया तो कैसा होगा? हरिश्चंद्र आ गया तो कैसा होगा?
सो फ्रॉम दैट फिल्म थिएटर के अंदर हॉल के सिनेमा हॉल के अंदर दादा साहेब फाल्के डिसाइडेड टू स्टार्ट भारतीय फिल्म. सो इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर रेजिस्टेंस रिक्लेमिंग आवर ओन कल्चरल रूट्स. इसके लिए जो प्रयास ऐसा बता रहे तो बहुत सारे उदाहरण है, मैं उसमें ज्यादा लंबा नहीं जा रहा. आई एम ऑल्सो कंक्लूडिंग. सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो ये प्रेरणा मैंने बताया स्वावस्थ प्रेरणा सेल्फहुड वास्ते प्रेरणा, ये सेल्फहुड का जो प्रेरणा पहला इसका जो चिंगारी कहां से भारतीय लोगों को मिला वो मेरा जो मेरा जो अध्ययन में ऐसा है जब 14th सेंचुरी के अंत सॉरी 15th सेंचुरी के अंत और 16th सेंचुरी के शुरुआत जब मुगल आक्रमण वाज गोइंग ऑन एंड आल्सो द यूरोपियन आक्रमण वाज गोइंग ऑन देयर वाज अ ह्यूज एंड इंस्पायरिंग हिस्टोरिक फिनोमिनल भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट हैज गिवन द प्रेरणा टू द समाज समाज के अंदर इस लेकर दिया. दैट्स व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल यूनिटी भारत के फंडामेंटल यूनिटी के बारे में सोचने के समय व्हाट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल यूनिटी. इट वाज आवर कल्चर आवर ट्रेडिशन आवर सिविलाइजेशनल ईथोस. दैट वाज द कारण. इसलिए डॉक्टर अंबेडकर व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द एकेडमिशियंस एंड स्टूडेंट्स ऑफ कोलंबियन यूनिवर्सिटी इन अ सेमिनार ऑन एंथ्रोपोलॉजी इन 1960 and his speech topic title was caste in India bharat ke jo jati ke bare mein, it is published also. He said it is the unity of culture that is the basis of homogeneity. Homogeneity ka kendra pramekh kendra bindu kya hai our sanskriti. Taking this for granted I venture to say that there is no country that can rival the India with respect to the unity of its culture. Sanskriti ke ekta ke bare mein pure vishwa mein dusra ek desh nahi hai. Isliye unhone kaha hai it is not only a geographical unity but it has over and above all a deeper and a much more fundamental unity. Fundamental unity na aaj ke jo topic hum shuru kare the indubitable cultural unity that covers the land from end to end. सांस्कृतिक एकता इसका दूसरे प्रकार से एक और महान व्यक्तित्व द ग्रेट सोशलिस्ट आइडियोलॉग राम मनोहर लोहिया. व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट भारत के जो भक्ति आंदोलन के बारे में उदाहरण बताऊंगा लेकिन ये सब कहां से आया है देख लीजिए. राम मनोहर लोहिया से भारत के एकता का मुख्य कारण उन्होंने तीन नाम बताया. पहला लॉर्ड रामा कनेक्टेड नॉर्थ विद साउथ. श्रीराम जी ने नॉर्थ से साउथ के तरफ आ गया वो कनेक्ट किया. कृष्णा कनेक्टेड ईस्ट विद वेस्ट. द्वारका से वो गए अरुणाचल प्रदेश में शादी के लिए ना रुक्मिणी खुद जो शादी कहां से किया रुक्मिणी देवी अरुणाचल आज के अरुणाचल प्रदेश का. एंड लास्ट शिवा इज प्रेजेंट इन एवरी पार्टिकल ऑफ दिस कंट्री. ये कहा राम मनोहर लोहिया. इसी विषय मैंने जो बताया 15th सेंचुरी के एंड में 16th सेंचुरी के शुरुआत में जो भारत के चार कोने में चार भक्ति आंदोलन के महर्षियों ने भारत के कंसेप्ट आगे बढ़ाने के लिए क्या कहा ये बताकर मैं समाप्त कर रहा हूं. क्षमा कीजिए एक वेस्ट से प्रारंभ करें वेस्ट टू ईस्ट लुक ईस्ट है ना. नरसिंह मेहता. नरसिंह मेहता वहां से भक्त कवि लेकिन कृष्णा और विष्णु के भक्त नहीं केवल उसके ऊपर भारत के भक्त भी था. ये प्रेरणा उन्होंने दिया यहाँ मैडम ने एक उदाहरण दिया भारत वॉज नॉट. कुछ लोगों ने कहते हैं ब्रिटेन आने के पहले भारत नहीं था ऐसा कहते हैं ना. एक विदुषी जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट किया था उस समय पहले वेयर वॉज योर इंडिया बिफोर ब्रिटेन केम हियर. It was only a landmass in between Burma and Afghanistan. ऐसा है तो कुछ लोग नाम किधर आप लोगों के सामने क्यों बता रहे हैं इतना पब्लिसिटी क्यों देना इसलिए मैं नहीं बता. लेकिन मेरा एक अच्छा दोस्त अपने प्रचार विभाग से
से भी जुड़े हुए एक टीचर एक्टिविस्ट ने इसको उत्तर दिया, ठीक है माम, ठीक है मैडम, इसलिए होगा व्हेन ब्रिटेन केम हियर दे स्टार्टेड ए कंपनी एंड उसका नाम उन्होंने दिया लैंड मास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान कंपनी, ये इंडिया कंपनी नहीं, इसका नाम ऐसा दिया था, ऐसा उन्होंने एक प्रकार से फ्रॉड किया था। ऐसे लोग पढ़ना चाहिए। नरसिंह मेहता ने क्या लिखा, वैष्णव जन को मैंने कहिए वे सब लिखे हुए, उन्होंने बताया भारत खंड भूतल मां जननी गोविंद को गुण गायो रे, धन धन तेरी माता पिता रे, धन धन तेरी गायो रे, गोविंद को गुण गायो रे, भारत खंड भूतल मां जननी, नाम से आया ये भारत खंड, अर्थ तो समझ में आते हैं। शायद नरसिंह मेहता ने सुबह उठकर एक कविता लिखने के बाद तुरंत एकदम ईस्ट में उनके एक सहयोगी भक्त कवि थे शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव को व्हाट्सएप मैसेज दिए होंगे शायद, वो पढ़कर शंकर देव ने इसको आसामी में ट्रांसलेट किया, शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने मिलकर, उन्होंने क्या लिखा, धन्य धन्य कलिकाल धन्य नर तनुवाल धन्य धन्य जन्म भारत वर्षे, तब जब यज्ञ तेजी तमर चरण भागी तुम नाम गुजराती में क्या नरसिंह मेहता ने लिखा, श्रीमंत शंकर देव भी वही बात कर रहे, माधव देव भी अभी भी आसामी के लोग यहाँ है तो मालूम हो गया, वो घरों में अभी भी गाते हैं ये गाना, धन्य धन्य कलिकाल धन्य धन्य नर तनुवाल धन्य धन्य जन्म भारत वर्षे, भारत में जन्म लेना इतना महत्व की बात है, शायद ये दोनों मिलकर मेरे केरल के कवि को भेजे होंगे कि ट्रांसलेट करो आप भी, बहुत अच्छा वायरल हो गया है हमारे दोनों के कविता, आप भी मलयालम में इसको ट्रांसलेट करो करके केरल के कवि पूंदानम को भेजे होंगे। उन्होंने उस समय लिखा ഭാരതമായ ഘട്ടമൊഴിഞ്ഞുള്ള പാലിലെങ്ങുമെടുതല്ല നിർണയം, അത്ര മുഖ്യമായുള്ള ഒരു ഭാരതം ഈ പ്രദേശം എന്നെല്ലാവരും ഓർക്കണം, യു ആർ ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഭാരത് मुक्ति अगर मिलना है तो भारत में करना पड़ेगा, ये कहकर उन्होंने ये बात बताया सभी लोगों को, देखिए केरल के अंदर भारत के अंदर कितना शोषण हो रहा है विदेशी लोगों ने, अंदर स्पष्ट रूप में बताया कविता में है, इट वॉज ऑल डॉक्यूमेंटेड, इट इज स्टिल अवेलेबल, इट हैज बीन प्रिंटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी और द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी में लिखा है सब, तब से लेकर भारत भारत ही है, नॉर्थ में छोटा छोड़ा नहीं, पंजाब के महान सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, गुरु नानक देव उस समय क्या कहा, ये तीनों केवल भारत ऐसा ही बताया था, लेकिन गुरु नानक देव क्या बताए, देखिए सच की वाणी आवे नानक सच सुनयासी, सच की भला काया कपट टुटुकु टुक टुक होसी, हिंदुस्तान संभालसी बोला, हिंदुस्तान संभालसी मतलब यहां से वो चिंगारी बहुत बड़ा एक आग के रूप धारण किया, इस भक्ति ऋषियों ने भारत के कल्चर के बारे में संस्कृति के बारे में परंपरा के बारे में हमारे जो नागरिक सभ्यता के बारे में समाज को बताया, वी आर वन, वी वेयर वन राइट फ्रॉम द डेज ऑफ वेदा, सो दिस कल्चर दिस संस्कृति चाहे वो आपके जिला में होंगे आपके जनपद में होंगे आपके गांव में होंगे इसको हम सुरक्षित रखना चाहिए, वही दीज पीपल आर अटैकिंग ऑन योर स्वा योर स्वत्व के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, आपको पॉलिटिकल फ्रीडम मिले ना मिले लेकिन यू हैव टू लीव अस भारतीय इस संस्कृति को कायम रखना, वही अगेन वही आपके इस संस्कृति को कायम न रखते हैं इस स्पिरिचुअल वैल्यूज को आप अगर रखने में आप पराजित हो गया है तो पूरे विश्व के लिए आपको एक कर्तव्य पालन करना चाहिए, यू हैव टू फुलफिल ए ड्यूटी, यू हैव टू फुलफिल, यू हैव टू डिलीवर ए मैसेज, यू हैव टू फुलफिल ए मिशन, यू हैव टू रीच ए डेस्टिनी, ये सब बात स्वामी विवेकानंद ने बताया था, भारत को उस प्रकार का एक डेस्टिनी है, भारत को एक मैसेज है, भारत को एक मिशन है, वो मिशन को आगे ले जाने के लिए आप स्वतंत्र होना चाहिए,
इस स्वतंत्रता के लिए आप लड़ाई करो, इस प्रेरणा से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुई। लेकिन लेकिन जो मैंने पहले बताया 1947 अगस्त 15 को भारत के जो सत्ता में आए हुए लोग इसको समग्रता से इसको कितने मात्रा में सीख लिया मुझे पता नहीं। They are all in confusion. They were thinking whether capitalism or communism. भारत का ये third way है, the way है, only way है, भारतीय way है। इसके बारे में सोचने के लिए नहीं प्रयास किया। अभी क्या देख रहे हैं? What we are seeing? Those ways which they are trying to follow, it was total failure. पिछले शताब्दी के अंतिम दशक में सबको पता चला कम्युनिज्म वाज अ बिग 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 डेंजर एंड ए डिफेक्टिव थ्योरी। सबको मालूम हो गया कम्युनिज्म इज डेंजरस इन थ्योरी, डेंजरस इन प्रैक्टिस एंड डिफेक्टिव इन थ्योरी। रूस के लोगों ने, रोमानिया के लोगों ने सब दूर इसके खिलाफ युद्ध किया। कम्युनिज्म हैज फेल्ड मिजरेबल एंड 21st सेंचुरी की शुरुआत के दशक में 2006, 2007, 2008 के समय लेमन ब्रदर्स डिबैकल के बारे में बात में क्या पता चला? कैपिटलिज्म इज आल्सो ए बिग ह्यूज फेलियर। पूरे विश्व में कौन से रास्ते में जाना चाहिए? ऐसा इस प्रकार के एक कंफ्यूजन में पूरे विश्व आ गया। मैं सामान्यता बहुत करता हूँ, विश्वास करता हूँ, if we would have started our own way 74 75 years back, it would have been the parama vaibhava of Bharata in this time. Abhi jo puri tarah Bharat us sthiti mein pahunchne wala hai. Now we have got a mission, we have got a message, we have got a vision that in the coming 25 years, that is Amrita Kala according to our most respected Pradhanamantri, Amrita Kala, by 2047 when we celebrate the 100th year of Bharat independence, Bharat must be again at the top of the whole world. उस प्रकार से काम करने का दायित्व हम सभी का हक है। भारत को जो हाथ से नष्ट हो गया उसी प्रदेश सब भारत को वापस मिलना चाहिए। आर्थिक प्रगति केवल नहीं, जोग्राफिकली भी भारत अखंड होना चाहिए। अखंड भारत फिर से उस प्रकार का एक उदय भारत के शिक्षा क्षेत्र का उदय, भारत के आर्थिक क्षेत्र का उदय, भारत के पॉलिटिकल क्षेत्र का उदय थोड़ा सा देखना प्रारंभ हो गया है। इसलिए है ना, एक सप्ताह पहले पुतिन ने बताया, रशिया के जो प्रेसिडेंट ने बताया, भारत इज गोइंग टू रूल एंड गाइड द होल वर्ल्ड इन द कमिंग पीरियड में वो होना। लेकिन हम सब लोग स्पेशली द यंगस्टर्स, दिस इज योर टाइम, भारत इज यूर्स इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। 50 बार बात कर दिए हुए हमारे देश के लोगों का नहीं, आपका है। आप लोगों ने इसके लिए इस मिशन को हाथ सर पे लेकर काम करने की आवश्यकता है। एक विजन 2047 सामने रखकर काम करने की आवश्यकता है। ये चार शब्दों के साथ में मेरे वाणी को विराम दे रहा हूं। भारत माता की जय। I now open this session for the audience. Anyone who has a question, please raise your hands. Our volunteers will reach out to you with the mic.